धोरण आठ समाज जेमा चैप्टर छ अंग्रेज शासन नी भारत पर असर। गया वीडियो लेक्चर में आप अंग्रेज शासन समय खेडूतों अने खेती विषे बात करी थी अने भारतीय व्यापार अने उद्योगों विनाश कई रीते थयो अंग्रेजों कारण ते पण आपणे जोयुं हतुं। आ चैप्टर में सुधारा तरफ शंका। विलियम बेंटिंक जयरे भारत तो गवर्नर जनरल बनीने आव्यो त्यारे इंग्लैंड में उदार विचारसरणीनो धीमे धीमे फैलावो थयो। आ फेरफारनी थोड़ी असर हिंद सुधी एटले भारत सुधी पहुँची। अंग्रेज शासकों प्रजाना जीवन में रस लेवा लाग्या। थोड़ा घणा लाभकारक सुधारा करी विलियम बेंटिंग प्रमाण में वधारे मान पाम्यो। बेंटिंगे कंपनीना वहीवट में भारतीयों ने स्थान आप्यो। अदालत में न्याय मांगवा आवनार ने मातृभाषा में मातृभाषा उपयोग करवानी परमिशन एटले के रजा आपी। राजा राममोहन राय और बीजा सुधारकों साथे सती थवानो राक्षसी रिवाज बंद करावा घणा वक्तथी प्रयास करी रह्या हता, जेने बेंटिंगे आ सुधाराने विनंती सांभळीने सती थवाना रिवाज पर सती थवानो रिवाज अटकावतो एक कायदो 1829 अमलमां मूक्यो हतो। जो अहीं तमने विलियम बेंटिंगनो फोटो आपेलो छे। अहीं सती थवानो रिवाज एटले के कोई स्त्रीनो पति जयरे मृत्यु पमे तो तेनी साथे तेनी पत्नीए पण तेनी लाश ने खोड़ा में राखीने सड़गी जावानुं हतुं। एवो रिवाज आ सती थवानो हतो, जे समाज माटे घणो खराब रिवाज हतो। बेंटिंगना समय में अंग्रेज अमलदारों भारतनो सुधारा वर्ग इच्छतो हतो तेवा कुरिवाजों अटकाववा प्रयत्न करता हता। आ सुधाराओने भारत में रूढ़िचुस्त लोको शंकानी नजरे जोवा लाग्या। कंपनी सरकारे केरवणी एटले के एज्युकेशन माटे दर साल 1,00,000 रुपयानो खर्चनो ठराव कर्यो हतो, परंतु एनो अमल थतो न हतो। छेवटे विलियम बेंटिंगना समयमां शिक्षण समितिनी रचना थई। ईस्वीसन 1834 मेकोलो नामना एक अंग्रेज धाराशास्त्रीने अंग्रेजी केरवणीनो विचार आव्यो। ईस्वीसन 1834 मेकेलो नामनो एक अंग्रेज धाराशास्त्री हतो जेने अंग्रेजी केरवणीनो विचार आव्यो। मेकोले शुरू करेली शिक्षण पद्धतिथी हिंदना युवानोने जोईने तेओ लाभ न मळ्यो। पोताना पूर्वजोए विकसावेली प्राचीन विद्याओ शीखवानो लाभ भारतीयो गुमावा लाग्या। देश में अंग्रेजी केरवणी शुरू थई। आ शिक्षण पद्धतिनो विरोध पण थयो। महात्मा गांधीए तो एने गुलामीनी केरवणी कहता हता। जे अंग्रेजी शिक्षण पद्धति हती तेने महात्मा गांधी शूँ कहता हता, गुलामीनी केळवणी। पछी 1857 युनिवर्सिटीनी स्थापना थई। अंग्रेजी शिक्षणथी अंग्रेजोने जोयेला भणेला कर्मचारीओ मळवा लाग्या। तेम छतां भारतीयोए शिक्षण मेळवा लाग्या अने तेमांथी स्वतंत्रता माटे राष्ट्रीयवादी मानस घडावा लाग्यो। औद्योगिक क्रांतिना कारणे कारखानाओने धमधमता राखवा माटे अने मालनी हेरफेर माटे वाहन व्यवहारनी अने संदेशानी मांग पहोंची वळवा नवा नवा यंत्रोनी शोध થવા લાગી। હિન્દમાં પણ તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો આપણા વેપારને લાભ મળશે તેમજ લશ્કરી અંકુશ પણ રાખી શકાશે। આ પ્રકારના હેતુથી ભારતમાં રેલવેની શરૂઆત કરવામાં આવી। ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે ઈસવીસન 1853 મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે શરૂ થઈ હતી। ભારતમાં સૌ પ્રથમ રેલવે 1853 મુંબઈ અને થાણાની વચ્ચે શરૂ થઈ હતી। ભારત જેવા વિશાળ દેશમાં દરેક ભાગ પર ચાંપતી નજર રાખવા અને પરદેશી રાજ્યોને સંદેશો આપવા માટે જરૂર જણાતા ઈસવીસન 1854 ટપાલ અને તાર સંદેશની આધુનિક પદ્ધતિઓ અપનાવવામાં આવી। તો ભારતમાં ટપાલ અને તાર સંદેશની પદ્ધતિ 1854 અપનાવવામાં આવી હતી। સાથે સાથે દેશમાં છાપખાના અને વર્તમાનપત્રોનો વ્યાપ વધવા લાગ્યો। આમ બ્રિટિશ શાસનના સુધારાઓ અંગ્રેજના હિત માટે હતા, તેમ છતાં રાષ્ટ્રવાદના ઉદ્દેશ્યો માટે ભારતીયોએ તેમને આશીર્વાદરૂપ માન્યા। અંગ્રેજી કેળવણી પામેલો વર્ગ વિશ્વના પ્રભાવોથી માહિતીગર બન્યો।
જેણે દેશમાં સમાજ સુધારાઓ અને રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના કાર્યમાં ખૂબ જ અગત્યની ભૂમિકા ભજવી. વર્તમાન પત્રો, તાર, ટપાલ અને રેલવેથી ભારતીયો એકબીજાને નજીક આવવા લાગ્યા.